बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से कि ये जो प्रोजेक्ट आया है मेट्रो सिटी गुजर खान, ये फ्यूचर में कामयाब होगा या नहीं, तो इसी हवाले से कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं जो कि आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज कि इस हमारे इस चैनल पे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत से मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन से आप मुस्तफीद होते हैं और आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आएँ और सारी अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स भी हैं, वो रियल्टर्स भी हैं, एंड यूज़र भी हैं। बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई है इस प्रोजेक्ट की, तो इस हवाले से हमने सोचा कि बहुत सारे लोग कंसर्न कर रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर में कामयाब होगा भी या नहीं, कोई इसके चांसेस फ्लॉप होने के भी हो सकते हैं या कुछ इस तरह से। तो हमने सोचा कि इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी जो है नॉलेज में भी इजाफा हो जाए और दूसरा जो भी अगर कोई ऐसे डाउट्स हैं आपके, जो भी कोई कंसर्न है इस हवाले से, वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं कि जो गुजर खान, अगर हम इस एरिया को देखें, ये एक तहसील है रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ लगती, अगर हम इसके सराउंडिंग्स में देखें तो अब तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हम नहीं ढूंढ पाते इसके सराउंडिंग्स में जो कि इस लेवल पे जो है वो डेवलप होने जा रहा है या उसके पीछे इतने स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं या इसका उसका जो लेआउट प्लान है या जिस तरह की वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स दिए जा रहे हैं लोगों को, एक गेटेड कम्यूनिटी जो कि इससे पहले उस एरिया में कहीं देखी नहीं जाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन एरियाज़ के ओवरसीज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो शिफ्ट हुए हुए हैं और वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जब भी वो कभी पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनको वहाँ के माहौल के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें, इन्वायरमेंट वहाँ, यहाँ पे वो लिविंग स्टैंडर्ड वो यहाँ पे भी वैसा ही ढूँढ रहे होते हैं जो कि मोस्टली उनको नहीं मिलता है, और फिर उनको मजबूरन अपने इलाके, अपने आबाई इलाकों को छोड़ के ऐसे इलाकों में मूव होना पड़ता है जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, पाकिस्तान के बहुत जो कैपिटल जो है बड़े सिटीज़ में आता है उन एरियाज़ की तरफ, उन शहरों की तरफ उनको मूव करना पड़ता है। तो ये उनको एक ऐसी सहूलत मिल जाएगी वहाँ पे, एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है, ऐसी सोसाइटी उनको वहाँ पे मिल जाएगी जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को मैच भी करेगी और वो उनके आबाई घरों के करीब भी होगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको देखते हुए हमें ये नहीं सोच सकते हम कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब नहीं होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो इसमें इसके डेवलपर्स आ जाते हैं। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब कोई इन्वेस्टर या कोई एंड यूज़र अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगता है तो उसका कंसर्न सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के पीछे जो डेवलपर्स हैं, जो उसके बैकएंड पे काम कर रहे हैं, वो लोग होते हैं। इन डेवलपर्स के हवाले से मैं एक बहुत डिटेल वीडियो इससे पहले बना चुकी हूँ जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल सकती है, उसके अलावा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके डेवलपर्स के हवाले से मैं बात करूँ तो BSM डेवलपर्स एक ऐसा नाम है जिसको मार्केट में आज हर कोई जानता है, क्योंकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मलिक बिलाल के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके इससे पहले प्रीवियस जो दो प्रोजेक्ट हम देख चुके हैं जो सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं, उसमें ग्वादर गोल्फ सिटी है और दूसरा मेट्रो सिटी खारियाँ है। ये दो प्रोजेक्ट उनके इंट्रोडक्शन के लिए भी आप कह सकते हैं, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए भी आप देख सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने डिलीवर किए, जितना लैंड बताया गया उतना उनके पास अवेलेबल था, उसके बाद उन्होंने जो है वो बहुत टाइमली उसको डिलीवर किया, लोगों ने उसमें चाहे वो इन्वेस्टर्स थे चाहे वो एंड यूज़र्स थे बहुत सेटिस्फाई रहे हैं। और एक चीज़ में और अगर आपको मलिक बिलाल और BSM डेवलपर्स के हवाले से मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो एक बहुत ही नामवर शख्सियत जो कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के टाइकून माने जाते हैं और हर कोई उनको जानता है, चाहे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का एरिया है चाहे वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, उन्होंने रियल इस्टेट इंडस्ट्री का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। और वो जो मलिक रियाज साहब, बैरियर टाउन के CEO, बैरियर टाउन के ओनर, और मलिक बिलाल जो हैं वो उनके नवासे हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है।
और ये अपने जो BSM डेवलपर्स हैं ये अपने घर से ही रियल इस्टेट की एक ऐसी बुनियाद लेके चल रहे हैं जिसके जिसमें जो है ना वो शक व शुबे वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। तो इस पॉइंट से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं हो सकता। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं और वो ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को जो है स्ट्रॉन्गली अगर आप देखना चाहें कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है उसको वो उसमें जो है उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका NOC आ गया और जो भी इदारे हैं जहाँ से उसको अप्रूव होना है। जैसा कि आप जानते हैं गुजर खान एक तहसील है, तो ये इसका जो भी अप्रूवल है वो रावलपिंडी या RDA या CDA में नहीं आता है, वो वहीं की तहसील से उनको जो है अप्रूवल मिलना है और वो इंशाल्लाह ताला उनको मिल भी चुका है। जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अब तक लैंड अक्वायर किया हुआ है उस पर जिस पर उनकी मशीनरी लगी हुई है, काम चल रहा है, वो उनका क्लियर है। क्योंकि इससे पहले भी उनके जो दो प्रोजेक्ट उन्होंने मार्केट में डिलीवर किए जो कि ग्वादर गोल्फ सिटी और मेट्रो सिटी खारियाँ, दोनों के लीगल स्टेटस क्लियर, लोग बहुत ही सेटिस्फाई हैं उससे, किसी भी किस्म का जो है ना उसमें कोई कंप्लेन या कोई भी किसी किस्म का लीगल इशू जो है वो नहीं देखा गया। इसी तरह अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं तो वो हम देखते हैं कि उसकी जो कम्युनिटी, टारगेटेड कम्युनिटी है वो क्या है। आप देखें जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि गुजर खान की सराउंडिंग्स में बहुत ही छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं, लेकिन वहाँ की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो ओवरसीज़ है और बाहर के मुल्कों में जो है वो सेटल हुई हुई है विद फैमिलीज। और उनको जब वो पाकिस्तान आते हैं वापस, चाहे वो वेकेशंस के लिए आते हैं या वो अपना जो है वो वापस अपना अपने गांव अपने घरों की तरफ लौटते हैं और वहाँ वापस पाकिस्तान में सेटल होते हैं, तो वो क्या उनको एक आदत हो चुकी होती है वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स की, वहाँ की सहूलतों की, वो तमाम चीज़ें वो जो है ना वो यहाँ पर वो ढूँढना चाह रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है उनको इतने छोटे कस्बे में, गाँव में कहीं पर भी नहीं मिल सकती। उसमें मजबूरन उनको जो है वो बड़े सिटीज़ की तरफ मूव करना पड़ता है, उसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद है या वो लाहौर कराची जो बड़े सिटी हैं पाकिस्तान के, उनको मजबूरन वहाँ पे मूव करना पड़ता है। लेकिन अगर अब देखा जाए अगर उनको अपने घरों के करीब ही एक इतनी ज़बरदस्त एक इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिले, जैसे कि ये मेट्रो सिटी गुजर खान बन रहा है जिसमें एक गेटेड कम्युनिटी है, हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, हाई लेवल स्टैंडर्ड जो है उसको वहाँ पे मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है उनको, स्कूल कॉलेजेस मिल रहे हैं अपने बच्चों के लिए वहाँ पे, अगर उनको अच्छे हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स मिल रहे हैं, मतलब जितनी भी लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में आपको जिसकी ज़रूरत है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी देखते हुए वो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो इसमें इन्वेस्ट कर रही है वो कभी भी इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप नहीं होने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की बहुत ही मेन स्ट्रीम पे उसको देखा जा सकता है, और वो ये है कि अगर एक प्रोजेक्ट में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है और वो इतने हाई स्टैंडर्ड पे जाके उसकी डेवलपमेंट हो रही है और आपको सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मिल रही हैं, तो एट द एंड कोई भी बंदा ये सोचेगा कि अच्छा जी अब इसकी प्राइसेस क्या हैं, क्या वो प्राइसेस हमारी रेंज में हैं या नहीं हैं, हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। तो उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी सहूलतों के साथ अगर आपको एक गेटेड कम्युनिटी के अलावा भी कहीं बाहर गली मोहल्ले में भी आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं 5 मरले का, तो उसकी मिनिमम जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 50 लाख, 50 लाख से ऊपर ही आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, 50 लाख से नीचे 5 मरले का प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के इस दौर में। इस गेटेड कम्युनिटी में आपको 5 मरले का प्लॉट इस वक्त मिल रहा है 19,90,000। आपको अगर स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा इसका पेमेंट प्लान, 5 मरले का प्लॉट जो है 19,90,000 उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है और 2 ईयर्स का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, आपने 4,50,000 इसकी डाउन पेमेंट है और माहाना किस्त इसकी तकरीबन 23,750। 2 साल में आपने इस इंस्टॉलमेंट प्लान को क्लियर करके आपने इस प्लॉट के मालिक बन जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि इस महंगाई के दौर में और जब हर चीज़ के जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं, इस टाइम पे इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में, इतने ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में आपको 5 मरले का प्लॉट अगर 20 लाख रुपए में मिल रहा है तो वो कोई महंगा नहीं है। ये एक जो है ना बेहतरीन टाइम है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जिससे बहुत सारी लोगों की ये कंसर्न जो है वो ऑब्वियसली जो है वो दूर हो गया होगा कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है।
तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी लीगल ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसी चैनल पे। तो आप जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। बुकिंग के हवाले से आपको डिटेल चाहिए हो या प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।